सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि फार्म का मतलब क्या होता है सो द मीनिंग ऑफ फार्म इज एन एरिया ऑफ लैंड विद फील्ड एंड बिल्डिंग्स कि एक एरिया होता है खेत्र होता है जमीन का जिसमें खेत और जो बिल्डिंग्स हैं इमारतें हैं वो दैट इज यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स जिसकी वर्तो की जाती है फसल को उगाने में एंड और कीपिंग एनिमल्स और एनिमल्स जानवरों को रखने के लिए सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ माय अंकल इज अ फार्मर कि मेरे अंकल फार्मर हैं एंड और ही लिव्स ऑन ए फार्म हाउस कि वो रहते हैं फार्म हाउस पर इन द मिडल ऑफ हिज फार्म जो उनका फार्म है उसके मिडल में उसके विचकार इन द विलेज में गांव में आई यूज टू विजिट हिज फार्म मैं उनके फार्म का विजिट करती थी विद माय पेरेंट्स मेरे माता पिता के साथ ऑफन अक्सर एंड और इट वाज वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस और यह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव होता था इन हिज़ फार्म उनके जो फार्म है वहाँ पर आई सो डिफरेंट क्रॉप्स मैंने काफ़ी सारी अलग अलग तरह की फसलें देखी थी लाइक like, जैसे कि वीट वीट का मतलब होता है गेहूं या फिर कनक, पटैटो मतलब कि आलू शुगर केन मतलब गन्ना एंड और मैनी ट्रीज और काफ़ी जो ट्रीज हैं वो सच एज जैसे कि मैंगो एंड ऑरेंज ट्रीज आई एट दीज फ्रूट्स मैंने ये फ्रूट्स खाए थे देयर वहाँ पर एंड और इन्जॉयड अलॉट और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज वट काइंड फार्म डू यू लाइक इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको किस किस्म के फार्म पसंद हैं द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई लाइक एथिकल फार्म जहाँ पर फार्म एनिमल्स जो एनिमल्स हैं जानवर हैं आर ट्रीटेड ह्यूमनली उनको जो जानवर हैं उनके साथ हो, जो ऐसे एक ह्यूमन uh, है उसके साथ बिहेवियर होता है वैसे ही वर्ताव किया जाता है वैसे ही जानवरों को ट्रीट किया जाता है जैसे कि किसी ह्यूमन को ट्रीट किया जाता है गिवन गुड डाइट अच्छी मतलब उनको डाइट दी जाती है एंड antibiotics. और नाट गिवन एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती आई लाइक like, मुझे पसंद हैं दोज फार्मस वो खेत विच डू नाट यूज़ जो वरतः नहीं करते एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स टू ग्रो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स हैं कीटनाशक हैं बहुत ज़्यादा उनकी वर्तो नहीं करते फसलों को उगाने के लिए द थर्ड क्वेश्चन ऑफ़ दिस वीडियो इज डू यू थिंक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो खेती है वो ज़रूरी है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ आई कंसिडर दैट मुझे लगता है कि फार्मिंग इज सिग्निफिकेंट कि जो खेती है वो ज़रूरी है बिकॉज क्यों इट प्लेस क्योंकि ये निभाती है अवाइटल रोल बहुत ज़रूरी जो रोल होता है इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनमी ऑफ एनी कंट्री किसी भी देश की जो इकॉनमी है उसकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एंड और इट्स डेवलपमेंट और उसके विकास में इट प्रोवाइड्स इम्प्लॉयमेंट अपॉरचुनिटी ये प्रोवाइड करती है जो इम्प्लॉयमेंट की uh, मौके हैं टू द रूरल एग्रीकल्चर जो गांव में एग्रीकल्चर है वहां पर ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है एज वेल एज साथ ही साथ नॉन एग्रीकल्चर लेबर्स मतलब कि जो एग्रीकल्चर का काम नहीं करते जो लेबर्स होते हैं मतलब जो मज़दूर होते हैं जिन्हें एग्रीकल्चर का काम नहीं आता उनको भी ये काम मिल जाता है एग्रीकल्चर में उनको भी काम एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है इट इज़ द सोर्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स ये सोर्स है जो खेती है ये इससे हमें फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं फ्रूट्स डेरी जो डेरी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रेन्स अनाज एग्स फॉर ह्यूमंस ह्यूमंस के लिए एंड और फॉर्डर फॉर्डर का मतलब होता है चारा होता है जो जानवरों को दिया जाता है फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स जो domestic animals, जो घरेलू जानवर होते हैं जो मतलब कि चारा वगैरह खाते हैं तो वो खेती से ही मिलता है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज डिड यू डू फार्म वर्क वेन यू वर यंग इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप छोटे थे तब क्या आप फार्म का काम करते थे मतलब कि आप खेती का काम करते थे जब आप छोटे थे द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस हाँ आई यूज टू डू फार्म वर्क कि मैं खेती का काम करती थी वैन आई वॉज यंग जब मैं छोटी थी आई हेल्प्ड माई अंकल इन हिज फार्म मैंने अपने अंकल की सहायता की थी उनके फार्म में बाई टेकिंग केयर ऑफ डॉग्स डॉग्स की जो ध्यान रखना एंड और चिकन्स चिकन्स का मतलब होता है मुर्गियाँ इन हिज बार्ड मतलब कि जहाँ पे डॉग्स uh, को और uh, चिकन्स को रखा जाता है वहाँ पर उनका ध्यान रखती थी आई डिड नॉट हैव नॉलेज मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी ऑफ डूइंग फार्म वर्क खेती का काम करने की एट दैट टाइम उस समय बट पर आई यूज टू स्पेंड टाइम देअर पर मैं वहाँ पर समय व्यतीत करती थी विद माई अंकल मेरे अंकल के साथ सो गट दैट सोल्व फॉर टू दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो इन द बिलो कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू एल्स सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर